जी, तो ब्रीडिंग में हेल्प के साथ जो रोल था हेल्पर का, हेल्पर वो इंडिविजुअल थे कॉलोनी के जो कि नॉन ब्रीडर हैं, दे आर कैपेबल फॉर ब्रीडिंग लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं, तो उस पर भी हम देखते हैं कि वो क्यों नहीं करते। तो ये ग्राफ वो आपको शो कर रहे कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ द फ्लोरेटा स्कप जे, ये एक बर्ड है, हेल्पर एंड द ब्रीडिंग सक्सेस ऑफ द एक्सपीरियंसड पेरेंट्स, यानी ये हेल्पर पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, हेल्पर आर नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ द एग लेट, हेल्पर उनकी ब्रीडिंग में इस सेंस में हेल्प नहीं करते कि उनके नंबर ऑफ़ एग्स को इंक्रीज़ करेंगे या इस तरह से, बल्कि वो क्या करते हैं, इंक्रीज द चांसेस ऑफ देयर एग्स विल हैच एंड यंग विल सर्वाइव टू बिकम इंडिपेंडेंट, यानी जब वो एग ले कर देते हैं तो फिर इन हेल्पर का काम होता है उनको फीड करवाना और नेस्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द प्रीडेटर, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो हो सके। तो ये एग्जाम्पल आपकी इसमें आपने देख ली है कि हेल्पर जो हैं वो ब्रीडर की किस तरह से हेल्प करते हैं कि वो सेम कॉलोनी के मेंबर होते हैं जो कि लेकिन खुद ब्रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका एक हिस्सा हो गया, ये ग्राफ आपने ये नीचे थोड़ी सी डिटेल इसकी लिखी है, ये आपने पढ़ लेना है। इस पर मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो ब्रीडर होते हैं ये तो ब्रीडिंग करके उसके बाद इनकी पेरेंटल केयर रिड्यूस हो जाती है, तो बाकी जो हेल्पर होते हैं बेचारे ये चूँकि उनको अटेंड करते हैं उसके नेस्ट को गार्ड करते हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर जो है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर लगती है। तो ये साइंटिस्ट ने लिखा है कि इनकी जो बॉडी वेट है कि 24 आवर्स में इन ड्यूरिंग द 24 आवर शिफ्ट इनका बॉडी वेट जो है ये 1.3% बॉडी वेट इनका लूज़ होता है क्योंकि ये बैठे रहते हैं वहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो इसी में जो मेन बात आ रही है वो यही है कि बाद में कुछ ऑफस्प्रिंग कॉलोनी के हवाले से बात हो रही है ये कि कुछ पेरेंट्स के साथ रहते हैं ऑफस्प्रिंग और कुछ भाग जाते हैं, यानी डिस्पर्जल है। व्हाई शुड ऑफस्प्रिंग डिले द डिस्पर्जल, वो क्यों नहीं डिस्पर्स होते और कुछ होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें वो दो बातें हमको बता रहे हैं, कहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिस्पर्जल और फिलोपैट्री, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फिलोपैट्री का मतलब है स्टे नियर होम, फिलोपैट्री क्या है, स्टे नियर होम, वो घर के करीब रहते हैं ताकि वो जो फैमिली जो जिस इन्वायरमेंट के साथ वो फैमिलियर हैं उधर ही उनका सर्वाइवल हो। तो इसमें एनिमल्स क्या करते हैं, पहली बात है डिस्पर्स क्यों होते हैं, इसलिए डिस्पर्स करते हैं क्योंकि टू अवॉइड इन ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव सप्रेशन बाय देयर रिलेटिव्स, जहरी बात उनके पेरेंट्स उधर हैं उनके सीनियर्स उधर हैं तो वो उनका आपस में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो वो वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें फिलोपैट्री ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि वो लोकल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें वो फैमिलियर हो जाते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। कहता है कि जो डिस्पर्जल है वो रिस्की है कि एनिमल अगर कोई बर्ड एनिमल है वो डिस्पर्स होते हैं नए इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा मसला होता है। मसलन स्मॉल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज ऑफ सिचलेड फिशेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इटन बाय द प्रीडेटर व्हेन दे आर वेंचर ऑफ देयर टेरिटरी, यानी ये जब अपने एडल्ट को छोड़ जाती हैं तो इनकी जो प्रीडेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनको वो पकड़ के खा जाते हैं। अच्छा, हैबिटेट सैचुरेशन में यही है, सैचुरेशन का मतलब होता है आपको पता है कि भर जाना, जगह फिल हो जाना। तो कहता है ये जो स्कब जे बर्ड है ये क्या करता है, ये डिस्पर्स इसलिए होता है कि इसके जो पहली हैबिटेट है, हैबिटेट अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड दैट वर्चुअली एवरी टेरिटरी इज फिल्ड, वंस स्कब जे इनफ टू एक्वायर द टेरिटरी इट कीप्स फॉर द लाइफ, अगर स्कब जे बर्ड जो है एक दफ़ा को टेरिटरी बना लेता है तो पूरी ज़िंदगी वही रहता है, तो जाहिर बात है फिर इसके बच्चों को वहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है ना, द मोस्ट कॉमन वे अ मेल टू एक्वायर द टेरिटरी बाई इनहेरिटिंग द पोर्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, हाँ जब बाप मर जाता है तो उसके बच्चे फिर वहाँ पर उस टेरिटरी में रहते हैं, ये स्कब जे बर्ड में ऐसा है, तो ये बड़ा मसला है, इसलिए बर्ड्स वहाँ से क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरह से अगला पॉइंट भी इसमें पढ़ लेते हैं, लैक ऑफ मेट्स, मेट्स का मतलब है कुछ ऐसे बर्ड्स की फैमिलीज हैं जिनमें जो है ना वो जी, तो लैक ऑफ मेट्स में भी है, ये एक बर्ड है जी, वो कह रहा है कि ये स्प्लेंडेड फेरी यर्न फीमेल जो है इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी मेल की कंपैरिजन में फीमेल इस स्पीशी की ज़्यादा डेड हो जाती हैं। अब क्या होता है कि जो मेल हेल्पर होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं दूसरे मेल की ताकि वो जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सकें, ये आप नीचे तस्वीर में देखें कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन ये उसने दी है, कहता है कि ये मेल स्प्लेंडेड यर्न कैरीज एन इंसेक्ट टू फीड इट्स यंग व्हेन अडल्ट फीमेल आर इन द शॉर्ट सप्लाई इन द पॉपुलेशन, दिस ब्रीडिंग मेल कैन काउंट ऑन हिज सन टू हेल्प रेयर द नेक्स्ट ब्रीड। ठीक है जी, ताकि वो नेक्स्ट ब्रूडिंग जो है उसकी हो सके। तो ये तीन पॉइंट आपने इसमें देख लिए हैं, चेंज ऑफ लोकेशन।